जय हिंद माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एनडीए की एज लिमिट के बारे में। व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इनटू एनडीए? ओके, एनडीए के फॉर्म फिल करने के लिए आपको आपकी एज जो है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 16.5 से 19.5 साल आपकी एज होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में, और इसके बाद से आपके माइंड में कोई भी एज लिमिट से लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये हमारा जो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था एनडीए 1 2023 के लिए, वही नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपकी जो एज है वो ली गई थी। ये देख रहे हैं आप, 2 जुलाई 2004, ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2004 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007 आर एलिजिबल। इट मींस जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो तो एलिजिबल हैं, जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे वो एलिजिबल नहीं है। ये लास्ट ईयर नोटिफिकेशन जो अभी जो एनडी 1 2023 जो आपका निकल गया है उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। बट नाउ फॉर एनडीए 2 2023 जो आने वाला एग्जाम है आपका सितंबर का, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या आपकी एज लिमिट होगी फॉर एनडीए 2 2023? जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा वो आ रही है 2 जनवरी 2005 to 1 जनवरी 2008, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, राइट। इट मींस 2 जनवरी 2005 to 1 जनवरी 2008, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे बेटा, तो आप अगर आप एज कैलकुलेट करके बैठे हैं 16.5 से 19.5 साल, वो काफ़ी डिफरेंट तरीका होता है। ये जो आपका मेन प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने आप को चेक करेंगे वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, दिस इज़ द बेस्ट, राइट। 2 जनवरी 2005 to 1 जनवरी 2008 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जो डेट होगी आपकी, ये जो डेट होगी सेकेंड और फर्स्ट, ये आपकी इंक्लूड रहेगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2005 है तब भी आप एलिजिबल होंगे, 1 जनवरी 2008 है तब भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है बेटा, तो यही एक एज लिमिट का एक क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है। तो बाकी सारी चीज़ें आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है यही है बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपको एलिजिबिलिटी में आपकी मदद करेगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ओके, तो जितने भी बच्चे एनडीए 2 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जिन्हें ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है टारगेट डिफेंस एकेडमी में, जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, एक 15 मई से और स्टार्ट होगा, और एक उसके बाद नेक्स्ट वीक में एक बैच और स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप किसी भी बैच को आके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये फाउंडेशन के बैचेस भी हमारे यहाँ होते हैं, 2 साल का बैच होता है, ठीक है, और जिसमें 11th 12th के साथ साथ एनडीए की तैयारी कराई जाती है, और उसमें एसएसबी इंटरव्यू, इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी पूछताछ करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8953532115, यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टारगेट डिफेंस एकेडमी एडमिशन प्रोसीजर।
ओके सो जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।